हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो वैसे मुझे माफ कर देना कि वीडियो थोड़ी लेट आई है, पर मैंने जो वीडियो लाया हूँ वो बहुत सारी लाया हूँ। तो जल्द से जल्द हमारे 19K कर दो, उसके बाद 20K, क्योंकि 20K के हम बहुत ही ज्यादा करीब है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरा जो पेपर था वो हो चुका है कैंसल। इसी पेपर की वजह से मैं ज्यादा स्ट्रेस में रहता था और वीडियो इतनी लेट में आती थी क्योंकि मुझे स्टडीज करना पड़ती थी, पर अब वीडियो बहुत ही ज्यादा जल्दी आएगी। वैसे डेली अपलोड तो नहीं होगी, पर एक दिन का गैप रहेगा और बहुत सारे एपिसोड रहेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने मेरे जो लास्ट कम्युनिटी पोस्ट पे वोट नहीं किया है कि मैं नरूटो खत्म होने के बाद कौन सा एनिमे स्टार्ट करूं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोगों को जाना है मेरे चैनल में, मेरे चैनल में जाने के बाद कम्युनिटी पोस्ट में जाना है और मैंने जो लास्ट पोस्ट किया था उस पे वोट करना है। और आप लोग बता सकते हैं कि मैं कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करूं नरूटो शिपुडन के बाद। और साथ ही साथ आप लोग रोज मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक करना और जो मैंने नया चैनल बनाया हो प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करना। उसके ऊपर एक नवी वीडियो आने वाली है और वो वीडियो का टाइटल है कि 10 शॉकिंग मोमेंट्स इन नरूटो शिपुडन, यानी ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स जिसको देखकर हम लोग शॉक्ड हो गए थे, यानी 10 ऐसे सीन जिसको देखकर हम लोगों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था नरूटो शिपुडन के अंदर, और हम लोग सभी लोग चौंक गए थे वो सीन को देखकर। तो वो वीडियो आज ही आने वाली है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करके 19K कर दो और हम लोग 20K के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। अब टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आप लोग अपने कानों में हेडफोन लगा लो ताकि आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिले और वीडियो को शुरू करते हैं। नरूटो यहाँ पर सास्के की तरफ देखता है, जहाँ पर जो सास्के रहता है वो सभी टेल बीस को यहाँ पर अपने पीछे ले लेता है और उन सभी टेल बीस के पावर्स को अपने अंदर सोखता है। जैसे ही वो अपने अंदर टेल बीस के पावर को सोखता है, उसके अंदर एक अलग ही तरीके का चक्र आ जाता है और यहाँ पर सास्के के पास अब ज़्यादा पावर आ जाती है और वो यहाँ पर नरूटो के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नरूटो रहता है वो सास्के की तरफ देख रहा होता है और अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही है, जिसके लिए यहाँ पर वो अपनी हैंड साइंस बनाता है और यहाँ पर वो अपना सेज चक्रा लेने के बाद यहाँ पर नाइन टेल उसे अपना सेज चक्रा देता है, जिसके बाद यहाँ पर नरूटो बहुत सारे शैडो क्लोन बना देता है। ये देखकर सास्के चौंक जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे पास इतना सारा चक्रा कहाँ से आया, जबकि पास तो तुम्हारा चक्रा खत्म हो गया था, आखिर तुम इतना सारा चक्रा कहाँ से जनरेट कर रहे हो। ये कहकर सास्के यहाँ पर नरूटो के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। नरूटो के सभी क्लोन यहाँ पर सास्के के आसपास से घेर लेते हैं और सास्के को पंच करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं जो नरूटो रहता है वो यहाँ पर सास्के को पकड़ लेता है। सास्के जो रहता है वो अपने आप को छुड़ाने के लिए नरूटो और नरूटो के सभी क्लोन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और यहाँ पर वो अपने आप को किसी तरीके से हमला करके छुड़ा देता है और यहाँ पर वो सभी नरूटो के क्लोन को और नरूटो को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो नरूटो रहता है वो यहाँ पर अपने टेल बीस बॉम्ब का हमला करता है और सास्के के ऊपर टेल बीस बॉम्ब से फायर करते हैं, जिसके बाद सास्के को यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होता क्योंकि सास्के का सीसोनो अब पावरफुल है क्योंकि उसने अभी सभी टेल बीस की पावर ली होती है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि सास अपने हाथ को आगे करता है और यहाँ पर वो नरूटो की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो बिजली से और ज्यादा पावर को जनरेट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हर जगह बिजली गिरना शुरू कर देती है। सास्के अपने हाथ को जैसे ही ऊपर करता है, उसके हाथ में बहुत सारी बिजली आसमान से आना शुरू कर देती है और उन बिजली से वो नरूटो के ऊपर हमला करने वाला रहता है। तूफान की वजह से नरूटो यहाँ पर जमीन पे गिरना लग जाता है क्योंकि हवा और तूफान बहुत ही ज्यादा तेज रहते हैं। तब यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो यहाँ पर सभी क्लोन के साथ खड़े हो जाता है और सभी के साथ मिलकर अपना टेल बीस बॉम्ब बनाता है और यहाँ पर ये टेल बीस बॉम्ब लेकर वो सास्के के ऊपर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। जहाँ पर सास्के और नरूटो को उनका पास का सीन याद आता है कि किस तरीके से उन लोगों ने फाइट किया था और फाइट की यूनिसन साइन नहीं बनाई थी और वो फाइट अब तक चलते आ रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, लड़ने और जीतने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर डार्कनेस से निकालने आया हूँ और मैं तुम्हें इस डार्कनेस से निकाल के रहूँगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि नरूटो का यहाँ पर टेल बीस बॉम्ब
और जो सास्की की बिजली रहती है वो एक दूसरे से टकराती है, जिसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और यहाँ पर जितनी भी हाशिरामा की मूर्ति, मादरा की मूर्ति और सभी फाइनल वैली तहस नहस होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फाइनल वैली रहती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। काकाशी यहाँ पर सोकरा को बिठा देता है और सोकरा जो रहती है वो यहाँ पर गेंजुत्सु में रहती है, जिसकी वजह से वो बेहोश रहती है और काकाशी सेंसे यहाँ पर सोकरा की तरफ देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान में एक बड़ा सा स्पीयर बन जाता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा तहस नहस हो जाती है। यहाँ पर सास्के और नारुतो गिरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनका चाकरा खत्म हो रहा होता है। सास्के और नारुतो जमीन पर गिर जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं सास्के यहाँ पर वापस से उठ रहा होता है। तब यहाँ पर नाइनटेल फॉक्स कहता है कि उड़िया नारुतो, मैं तुम्हें चाकरा देता हूँ थोड़ा। जहाँ पर नारुतो जो रहता है वो भी यहाँ पर खड़े हो जाता है और यहाँ पर वो लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। सास्के यहाँ पर थक जाता है और वो इस लड़ाई को शॉर्टली खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपनी लेफ्ट आई पावर का यूज करता है और यहाँ पर वो नारुतो के ऊपर अमतरासु का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर नारुतो के अंग में फायर लग जाती है, पर नाइनटेल के चाकरा की वजह से वो बच जाता है और उसे कुछ नहीं होता। तब यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो सास्के के ऊपर लात मारता है। यहाँ पर सास्के भी उड़ जाता है और सास्के यहाँ पर नारुतो के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो अपना रसिंगन बनाता है हाथ में, ताकि वो सास्के के ऊपर हमला कर सके, पर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती है कि वो रसिंगन लेकर सास्के के ऊपर मार सके, इसलिए वो जमीन पर गिर जाता है और नारुतो का रसिंगन भी गायब हो जाता है। सास्के भी यहाँ पर खड़े होता है और यहाँ पर वो नारुतो को मारने के लिए आता है और यहाँ पर उस नारुतो के ऊपर बैठता है और नारुतो को पंच मार रहा होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो नारुतो रहता है वो सास्के को फेंक देता है और अब सास्के थक जाता है और सास्के उठ नहीं पाता। नारुतो यहाँ पर सास्के के ऊपर बैठता है और सास्के को पंच मारता है और यहाँ पर अब वो दोनों इतने थक जाते हैं कि वो लड़ने की हालत में नहीं रहते, फिर भी यहाँ पर वो लड़ रहे होते हैं कि आखिर कौन जीतने वाला है, जिसके लिए यहाँ पर वो लोग एक दूसरे को पंच मार रहे होते हैं। यहाँ पर सास्के नारुतो को पंच मारता है, नारुतो सास्के को पंच मारता है और उन दोनों का मुंह की हालत और उन दोनों की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सास्के सोच रहा होता है कि पहले नारुतो इतना कमजोर था कि वो तो बस एक झटके में ही हार जाता था, जैसे यहाँ पर लड़ाई का स्टार्ट बोलते थे मैं उसे पंच मार के जमीन पर गिरा देता था और वो हार जाता था, पर अब नारुतो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि अब मैं इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ फिर भी वो हार नहीं मान रहा। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो काकाशी सेंसे रहते हैं वो सोकरा की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पर सोकरा को होश आ जाता है और वो काकाशी सेंसे की तरफ देख रहे होते हैं। अब वो डायरेक्टली फाइनल वैली की तरफ आने वाले रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सास्के और नारुतो एक दूसरे को बस पंच मार रहे होते हैं और यहाँ पर वो गिर जाते हैं, फिर वो वापिस से खड़े होते हैं, फिर वापिस से वो लोग एक दूसरे को पंच मारते हैं। तभी यहाँ पर सास्के कहता है आखिर तुम हार क्यों नहीं मान रहे हो, और ये कहकर वो नारुतो के ऊपर पंच मारता है। तभी यहाँ पर जो सास्के रहता है वो यहाँ पर नारुतो को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जो नाइनटेल फॉक्स रहता है वो कहता है कि मैं अब तुम्हें चाकरा दे सकता हूँ, जो चाकरा मैंने कब से बचा के रखा था, और यहाँ पर वो नारुतो को चाकरा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सास्के अपने पंच मार के नारुतो के आंग में से नाइनटेल फॉक्स का सभी चाकरा निकाल लेता है और वो कहता है मेरे पास रेनेगन की एबिलिटी है, और वो नारुतो को जल्दी हारने के लिए नारुतो के अंदर से नाइनटेल का चाकरा खत्म कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं सास्के चाहता है कि अब ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अब वो थक गया है, इसलिए वो अपने हाथ में चिदोरी लेता है ताकि वो नारुतो के ऊपर हमला कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सास्के रहता है वो बस नारुतो के ऊपर अपनी चिदोरी से हमला करने वाला रहता है, पर नारुतो अपनी मुंडी को साइड में डॉच करता है और सास्के के हमले को डॉच करके वो सास्के के पेट पर पंच मारता है, जिसकी वजह से सास्के यहाँ पर दीवार पे जाकर गिर जाता है। तभी यहाँ पर नाइनटेल फॉक्स कहता है तुम्हें पता था कि आखिर वो क्या करने वाला है, इसलिए तुमने टाइम लिया और उसके हमले को आसानी से डॉच कर दिया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आइडिया था। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सास्के रहते हैं वो यहाँ पर इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना सभी चाकरा जो उसके आंग में बचा रहता है वो इन सभी चाकरा को बचाकर और लगाकर अपनी चिदोरी बनाने के लिए तैयार रहता है। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो भी यहाँ खड़े हो जाता है ताकि वो भी अब हमले के लिए तैयार हो जाए। तभी यहाँ पर जो सास्के रहता है वो कहता है ये लड़ाई अब यहीं पर खत्म हो जाएगी, मैं बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ इससे, और ये कहकर वो अपने हाथ में चिदोरी बना लेता है। तभी यहाँ पर जो नाइनटेल फॉक्स रहता है वो यहाँ पर सास्के की चिदोरी को देख कर कहता है कि मैं तुम्हें अपना चाकरा देता हूँ, तुम उसके बाद उसके हमले को डॉच करना, और वो कहता है कि जल्दी तैयार हो जाओ, अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम मारे जाओगे, और वो नारुतो को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। जहाँ पर नारुतो मुड़ता है और नाइनटेल फॉक्स को घूमकर देखता है और उसके बाद वो हंसता है। ये स्माइल को देखकर नाइनटेल फॉक्स समझ जाता है कि नारुतो के अंदर कुछ ना कुछ तो है, इसलिए वो भी हंसता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि जो नारुतो बोलता है वो करता ही है, और नारुतो ने उसे कहा था
कि मैं सास्के के अंदर की बुराइयों को खत्म कर दूंगा, सास्के को अपने विलेज में लेकर आऊंगा और साथ ही साथ तुम्हारे अंदर की भी बुराइयों को मिटा दूंगा और देख लेना तुम भी एक अच्छे बन जाओगे। इसलिए ना इंटेल फॉक्स को यकीन रहता है कि यहाँ पर नरूटो कुछ ना कुछ तो करेगा और यहाँ पर वो नरूटो के ऊपर भरोसा रखता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सास्के अपने हाथ में चिदोरी बनाता है और अब वो मामले को खत्म करना चाहता है और यहाँ पर वो नरूटो की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नरूटो रहता है वो यहाँ पर सास्के की तरफ देखता है और वो अपने हाथ में रसिंगन बना रहा होता है, पर उसके पास इतना चाकरा नहीं रहता है कि वो एक परफेक्ट रसिंगन बनाए। तभी हम देखते हैं कि नरूटो को ऐसा महसूस होता है कि जितने लोग उसे भरोसा करते हैं और उसके यकीन करते हैं और इसके हाथ में वो उन्हें चाकरा दे रहे हैं और यहाँ पर नरूटो की परफेक्ट रसिंगन बन जाती है। और यहाँ पर हमारा वो पास का सीन रिवाइंड हो रहा होता है जहाँ पर अपने हाथ में नरूटो रसिंगन लेता है और सास्के अपने हाथ में चिदोरी लेता है और आखिर वो दोनों एक दूसरे से टक्कर खा लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है और पहले की तरह ही यहाँ पर एक बड़ी सी व्हाइट रोशनी निकल रही होती है और रोशनी इतनी होती है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता है और एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।